हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इतनी भारी तादाद में अफगानी सेना होने के बावजूद भी कैसे जीत रहा है तालिबान। तालिबान के पास 80,000 सैनिक हैं। वहीं बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान सरकार के पास 3 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी और आसानी से तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तक हैरान है। दोनों सेनाओं में जहां तालिबान संख्या में कम और सैन्य संसाधनों में भी कम थे, अफगान सेना के पास संख्या और संसाधन तुलनात्मक बहुत ज़्यादा थे और इनकी ट्रेनिंग अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने की थी। तमाम लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका के जाने के बावजूद जब अफगानिस्तान में इतनी तादाद में अफगानी सैनिक मौजूद थे तो इतनी तेज़ी से तालिबान कैसे अफगानिस्तान के शहर दर शहर को जीतता चला गया। इसे ऐसे समझिए कि 14 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ऐलान करते हैं कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाएगी। इसके बाद 4 मई को अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में तालिबान द्वारा सैन्य अभियान सरकारी फौजों के खिलाफ शुरू कर दिया जाता है। यही नहीं, इसके साथ 6 प्रांतों में भी अभियान और शुरू हो जाता है। धीरे धीरे तालिबान शहर दर शहर कब्जा करने लगता है और दूसरे मुल्क जितना दूतावास अफगानिस्तान में था उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने लगते हैं और अपने नागरिकों को वहां से निकालने लगते हैं। यहां तक कि अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी देश छोड़कर जाना पड़ा। इन तमाम कारणों से अफगानी सैनिकों का मनोबल गिर गया। इसके बरक्स बहुत से मामलों में तालिबान की स्थिति बेहतर थी। तालिबान का मनोबल बहुत ऊंचा था। वहां अफगान सेना नाटो पर निर्भर थी, उसमें नेतृत्व की कमी थी और बुरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त थे। अमेरिकी मदद पर निगरानी रखने वालों ने पिछले महीने ही चेताया था कि अमेरिकी सेना को पता नहीं है कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बल को अमेरिकी सेना से स्वतंत्र होकर कैसे काम करना है। ये भी देखा गया कि अमेरिका ने अफगान सेना की क्षमताओं का आकलन नहीं किया और अमेरिकी सेना के हटने से उस पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी नहीं सोचा गया। अफगानिस्तान में लगे अमेरिकी पैसे के निगरानीकर्ताओं का ये काम था, उनका ये देखना था कि मार्च 2021 तक 88 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे लगाने की उपयोगिता कितनी थी या इससे अफगान सेना ज़मीन पर कितनी उभर पाई। अफगान सेना स्वतंत्र रूप से अपने विरोधियों को रोकने में सक्षम हो सकेगी या नहीं, ये भी इस पैसे की उपयोगिता से देखना था। लेकिन अफगान सेनाओं में विभिन्न पदों पर आसीनों की शिक्षा में भारी कमी और इसके साथ सेना की आधुनिक हथियारों पर निर्भरता ने सेना को कमज़ोर कर दिया। गौरतलब है कि जब जो बाइडन प्रशासन अमेरिकी सेना को वापस बुलाने की औपचारिक घोषणा कर रहा था, उस समय तालिबान की ताकत तेज़ी से बढ़ने लगी थी और उसके कब्ज़े वाले इलाके की भी संख्या भी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाइडन प्रशासन ने ये कैसे सोच लिया कि अफगान सेनाओं को इन हालातों में छोड़ना ठीक रहेगा। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।